अब्दुल रोसिक पहली बार इंडियन ऑडियंस के लिए बिग बॉस 16 के घर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। वहां पे उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था एंड वहां से उन्होंने बहुत से लोगों के दिल जीते थे। उसके बाद से ही इंडिया में वो बहुत सारा अपना काम न्यू ब्रांड्स को लॉन्च करते नजर आ रहे हैं। तो एक और हिंदी रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं अब्दुल रोसिक, क्या है पूरी डिटेल चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। मैं ईशा लेकर आई हूँ आप सबके लिए अब्दुल रोसिक से जुड़ी एक और न्यू अपडेट। तो अब्दुल रोसिक आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, वो पहले भी बहुत एक्टिव रहते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके न्यू प्रोजेक्ट्स एंड उनके न्यू एडवेंचर्स की बात सामने आती ही रहती है। अब्दुल रोसिक ने इंडिया में आने के बाद बहुत से कॉन्सर्ट किए, उसके बाद अपना बर्गर रेस्टोरेंट भी उन्होंने ओपन किया है। इन्हीं सबके बीच में अब्दुल रोसिक एक बार फिर से एक हिंदी रियलिटी शो पे नजर आने वाले हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की हो चुकी है स्टार्ट, केप टाउन के अंदर शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब खतरों के खिलाड़ी में आप सबको अब्दुल रोसिक नजर आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब्दुल रोसिक एज अ कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं? जी नहीं, अब्दुल रोसिक एज अ कंटेस्टेंट नहीं नजर आएंगे, वो एज अ सपोर्टर नजर आएंगे। शिव ठाकरे एंड अब्दुल शिवदू की हम सबको बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड बहुत उनके नाम के ट्रेंड भी होते हैं। उसी के साथ शिव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए अब्दुल रोसिक केप टाउन खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आप सबको नजर आने वाले हैं। आप सब कितने एक्साइटेड है अब्दुल एंड शिव की जोड़ी को एक बार फिर से टीवी पे देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे किसी क्विक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।